आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। हम परमेश्वर का वचन लेके आए एक विषय के साथ में। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा वीडियो देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज एक मसीही पाप में जूझ रहा है, बोले तो पाप कर रहा है। खासकर मसीही के मुँह से यह ज़्यादा सुना जा रहा है कि भैया मैं पाप करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी हो जाता है। कैसे हो जाता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब परमेश्वर ने शैतान को नीचे पृथ्वी पर गिराया था और वही सारी सेनाएं अब दुष्ट आत्माएं बन गई हैं और वही सारी शैतानी दुष्ट आत्माएं हर एक मसीही के कान में फुसफुसाती हैं पाप में गिराने के लिए, और वह मसीही बड़े आराम से पाप में गिर जाता है। क्यों गिर जाता है तो सुनो, क्योंकि उसके अंदर वचन न होने के कारण, वचन की गहराई न होने के कारण वह मसीही पाप में गिर जाता है। वह मसीही निकलना तो चाहता है पर निकल नहीं पाता है। वह मसीही शैतान की जाल में एक तड़पती हुई मछली की तरह फंस जाता है, क्योंकि वह बाइबल तो पढ़ता नहीं है, प्रार्थना तो करता नहीं है। सुबह शाम अपने मोबाइल में अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ में फोन में लव यू करता रहता है। इस धरती के नीचे करोड़ों आत्माएं चीख चीख कर तड़प रही हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि कोई, काश कोई मुझे यहाँ से निकाल ले, इस ज्वाला से निकाल ले। उसकी थोड़ी सी पुकार मैं आपको सुना देता हूँ। जो आज गए हैं मरकर, जो कल गए हैं मरकर, वे दुआ कर रहे हैं कि काश यहाँ कोई ना आए, यहाँ मेरा परिवार ना आए। बहुत हार्ड डाग होगी वहाँ की, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है। कीड़ों का बिछौना उस अधलोक में मिलेगा, आग जलाएगी, कीड़े काटेंगे। पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो, थोड़ी सी मजा लेने के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ी सी मजा और अनंत काल की सजा लेने के चक्कर में मत पड़ो। मैं आपको बचाना चाहता हूँ, पाप मत करो। वहाँ उस अधलोक में आपको हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा। जब यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो वहाँ की आग कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। मैं आपको कोई टीवी का सीरियल नहीं बता रहा हूँ, जो होगा जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। बाइबल गवाह है इस बात की। एक लड़की के चक्कर में अपना अनंत काल का जीवन मत खो देना। आज इस समय में जब यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, तो एक स्त्री लड़की रात में अपने होठों पर लिपस्टिक लगा के फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से वही गलत गलत बात करती है, जो एक मसीही लड़की को नहीं बोलना चाहिए। और बाद में वही लड़की यीशु के सामने प्रार्थना करती है और कहती है, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, हम पर दया करें, हमें क्षमा करें। और परमेश्वर कहता है, तू चिंता मत कर, जब तेरे आयु के दिन पूरे होंगे तब तुझे आग से नमकीन करूँगा। ऐसी लड़कियों को परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा। जिस चमड़ी पर घमंड है, एक दिन परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा। उस मसीही को वचन भी मालूम होता है कि यीशु ने कहा है विचार मत करो भैया, मगर वह मसीह फिर भी पाप करता है, यीशु का दिल दुखाता है। धनवान और निर्धन लाजर के बारे में तो आपने सुना ही होगा भैया। धनवान स्वर्ग में पिता अब्राहम से विनती करते हुए कह रहा है कि कृपया करके लाजर को मेरे पास भेज दे, कि लाजर मेरी जीभ को एक बूंद पानी से ठंडा कर दे, क्योंकि मेरी जीभ एक बूंद पानी के लिए इस ज्वाला में ऐठ रही है। धनवान कह रहा है, हे पिता इब्राहिम, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि लाजर को मेरे पिता के पास भेज दे, क्योंकि मेरे पांच भाई हैं, लाजर जाकर मेरे भाइयों के सामने गवाही दे, ऐसा ना हो कि मेरे पांचों भाई इस पीड़ा में आए जहाँ मैं तड़प रहा हूँ। आपके पास अभी अवसर है, क्योंकि जब अंतिम न्याय किया जाएगा तब आपको वहाँ मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। वहाँ सिर्फ न्याय किया जाएगा, वहाँ स्वर्ग सिंहासन के सामने लाइन से खड़े होंगे और वहाँ रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मगर वहाँ माफ़ी नहीं दी जाएगी। वहाँ सिर्फ न्याय किया जाएगा और उसे उसी न्याय के आधार पर उसको नर्क में डाला जाएगा। नीति वचन 27 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तुम नहीं जानता है, क्योंकि तुम नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। किसी दिन भी तेरे शरीर से आत्मा निकल जाएगी और उस दिन तेरे सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। यीशु मसीह उसी विश्वासी से प्रसन्न रहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसी से यीशु मसीह प्रसन्न रहता है। आज लोग यीशु मसीह को लोग कहते हैं कि
वह अपने आप को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचाएगा। यीशु मसीह अपने आप को बचाने नहीं आए थे इस पृथ्वी पर। परमेश्वर ने इकलौते पुत्र ने पुत्र के लिए अपने पिता का साथ छोड़कर धरती पर अपना इंसानों को पाप से और मौत से छुटकारा दिलाने के लिए इस पृथ्वी पर आए और अपनी जान कुर्बान कर दी। पापों की सच्ची माफी तो यीशु मसीह की कुर्बानी से होती है। वह हमारे पापों के कारण मारा गया ताकि हमारे पाप उसके लहू से धुल जाए। अभी आपके पास मौका है, वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है मेरे भाई। अभी सुधर जाओ, बचा लो अपने आप को नरक जाने से। मैं आपको हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, क्यों पाप करके नरक जाना चाहते हो, वहाँ एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा भैया। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा। बहुत तड़पोगे उसे आदमी, एक बूंद पर प्यास के कारण आपकी जी बैठेगी। बचा लो मेरे भाई, मैं आपको बचाना चाहता हूँ। इतनी भयानक सजा, इतना भयानक दंड देगा परमेश्वर, हाहाकार मचा होगा उस नरक में। कीड़े काटेंगे, आग जलाएगी, जो वक्त उसमें डाला जाएगा उसका क्या हाल होगा। इसलिए यीशु ने कहा था जो अपने पापों के ऊपर विजय पाएगा उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा था सावधान रहना कि कोई तुमको भरमाने ना पाए, कोई शैतान कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें पाप में गिराने ना पाए। इन तुम इनसे सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना। देखिए शैतान तो नरक में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जब शैतान का स्वर्ग से नीचे गिराया था तो परमेश्वर ने शैतान का न्याय पहले ही से कर दिया था, क्योंकि शैतान यह नहीं चाहता है मेरे भाई कि वो मनुष्य मसीही मन फिरा के स्वर्ग जाए और अनंत काल का जीवन पाए। शैतान नहीं चाहता है। जब आप खुद पाप करके नरक में जाना चाहते हो तो परमेश्वर उसमें क्या करे मेरे भाई। शैतान का न्याय तो परमेश्वर ने ही पहले ही से कर दिया था, वो तो नरक में जाएगा, क्यों आप उसके पीछे नरक में जाना चाहते हो। मैं आपको हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपको बचाना चाहता हूँ नरक से। वहाँ एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, बल्कि युगानुयुग के लिए हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है। जरा सोचो, मैंने वीडियो में कुछ ज़्यादा बोल दिया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से बनाते हैं। ठीक है भैया, आप सभी को जय मसीह की।